नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन चौहान और आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट। बिहार में बहुत सारे समीकरण रोज बदल रहे हैं। कभी सुना जाता है कि नितिन राम मांझी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाने की बात हो रही है, कभी लगता है कि वो पद पर बने रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, जिसे समझ पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आइए उस उलझन को दूर करने के लिए हम मनीष कुमार जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, बिहार की राजनीति को समझना बहुत ही जटिल काम है। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता कि क्या हो रहा है। बहुत आसानी से उसको समझने वाली बात है। देखिए, बिहार में क्या हो रहा है आजकल अखबार में जो है, मैं शुरू से बताऊंगा, लेकिन जो करंट जो चल रहा है कि जीतन राम मांझी को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, और मीडिया अखबार में पूरा चल रहा है। दरअसल सच्चाई जो है बिल्कुल अलग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि ये खबर जो है कि जीतन राम मांझी को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये नीतीश कुमार जी की तरफ से या लालू जी की तरफ से नहीं आ रहा, ये मांझी साहब खुद उड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। वो पूरी तरह से एक मन बना लिए हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ अब नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री उनको बनाना एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ब्लैक एंड वाइट में भी उस दौरान मैंने जब किया था तो मैंने कहा था कि ये जो 1970 के जो मानसिकता वाले जो राजनेता हैं, जिनको लगता है कि वो कार्ड खेल रहे थे, कि दलित कार्ड उन्होंने खेल दिया, वो कार्ड खेलने वाली राजनीति खत्म हो गई। ये कार्ड जो है ये उल्टा महंगा पड़ गया इनको। लेकिन महादलित वाली राजनीति तो वो शुरू से कर ही रहे थे। नहीं, लेकिन वो कर रहे थे तो लीडर कौन था? नीतीश थे। आपने महादलित को चीफ मिनिस्टर बना दिया, अब आप ये सोचोगे कि उसको बीच रास्ते में हटा दें? वो नहीं होगा। लेकिन समस्या ये है कि अब विलय होना है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो है वो विलय होना है। लालू यादव और नीतीश की पार्टी एक होगी, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ये कुल मिलाकर के ये स्थिति बनी कैसे है? एक तो बिहार में जो पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने जो मैंडेट दिया था वो नीतीश कुमार के लिए नहीं था। नीतीश कुमार के लीडरशिप में एनडीए के लिए मैंडेट था। सही बात है। बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी थी। लोगों ने दोनों को इसलिए जिताया था क्योंकि बाकी सारे इशू एक साइड हैं बिहार के अंदर में, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो जंगल राज है वो एक अलग साइड है। वो आदमी की अंतरात्मा कांप जाती है, आम आदमी की अंतरात्मा लालू राज के बारे में सोचते ही कांप जाती है। फिर कास्ट, क्रीड, धर्म सब खत्म हो जाएगा, जो आगे आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने लोकसभा चुनाव में आप लड़े जी। आपको ये लगा कि आपकी जो ओल्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म और सोशलिज्म और ब्ला ब्ला, बोलने का सिर्फ, करने का नहीं, किसी भी पॉलिसी में जितने भी देश में सोशलिस्ट नाम से जो पॉलिटिकल पार्टी घूम रही हैं, इनकी कार्यशैली में सोशलिज्म कहीं भी नहीं है, इसको समझना है। और इसलिए आपने सोचा कि ये कार्ड खेल के, सेकुलरिज्म का कार्ड, सोशलिज्म का कार्ड, बैकवर्ड पॉलिटिक्स ओबीसी का कार्ड खेल करके आप जो है चुनाव जीत जाओगे, लेकिन लोकसभा में आप हार गए। एक बात जो समझना यहाँ पे है कि नीतीश ने इस्तीफा क्यों दिया जी? क्या उन्होंने अपने मन से दिया? वो लड़ाई को इतने दूर तक ले गए और राइटली ले गए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी तो लाइन लेगा ही। और जब मोदी से मुकाबला हो रहा है तो आपको और मजबूती से लाइन को रखना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन वो चुनाव हार गए। अच्छा, हार गए फिर भी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो पूरा जो विलय है और ये जो पूरा जो खेल जो चल रहा है बिहार के अंदर में, जो मेरे समझ में जो आ रहा है, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, वो और उनकी रणनीति नीतीश कुमार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देगी। ये व्यक्ति, शरद यादव जी बिहार के नहीं हैं, मध्य प्रदेश के हैं और बिहार में राजनीति करते हैं और बैकवर्ड के नाम से, यादव के नाम से कास्ट लीडर हैं, हालांकि मास लीडर नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है
ये यही सेटिंग प्लॉटिंग कार्ड है ना, उसकी राजनीति में करते 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 वो यहाँ तक पहुँच गए, वो एनडीए के भी कन्वीनर बना दिए गए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो बिहार के ही नहीं, मध्य प्रदेश के हैं, जबलपुर से शायद चुनाव लड़े तो हार भी जाएं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं। तो पिछली बार चुनाव लड़े थे जी और हार गए। उससे पहले एनडीए की मिलीजुली का गठबंधन था तो उसमें वो जीत कर आए थे। तो इनका एक घर है तो तुगलक रोड में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा घालमेल किया कि ये तो खुद सबसे पहले राज्यसभा में आना चाहते थे, आना चाहते थे, वो आ गए जी। और जब लोकसभा में हार हुई तो नीतीश कुमार परेशान हुए कि भाई हमने तो सब कुछ किया। ये बात माननी पड़ेगी कि नीतीश कुमार ने जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन मुस्लिम वोट बैंक के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कार्ड की राजनीति खत्म हो गई कि जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपने मैंने अपने गठबंधन को और पार्टी को जो स्टेक पे लगा दिया, वो वोट तो मिला नहीं, आप हार गए। दो सीटें आई और जो दो सीटें आई वो पार्टी की वजह से बदौलत नहीं आई, वो दोनों इंडिविजुअल कैंडिडेट की वजह से आ गया। तो ये जो चाणक्य जो हैं शरद जी और उनकी गैंग कि भाई अब क्या किया जाए, भाई मोरालिटी के हिसाब से जो है आपको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्रेशर में आ गए और ये महंगा पड़ गया। ये वही भूल है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की थी। लोग आज अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो जदयू की स्थिति बहुत मजबूत होती। अब आपने नया विलय करना चाहा, आपको समझ में आ गया कि भाई आप अकेले तो बीजेपी से नहीं लड़ा जा सकता, स्थिति कमजोर है। और उधर क्या हुआ, लालू यादव को सजा मिल गई, लालू यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते, लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने अपने बेटे को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की, देखिए सोशलिज्म का एक नया रूप देखिए कि ये कैसा सोशलिज्म है, कैसे जेपी के अनुयायी हैं, अपने बाल बच्चों को जो है उन्होंने ऊपर किया, वो सभी चुनाव हार गए। वो लगातार वो प्रमोट करते रहे कि भाई यादवों का नया लीडर पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला। वो नेता क्या जिसके पास सपोर्ट नहीं। लालू यादव को भी लग रहा है कि उनका पूरा जो राजनीतिक ये जो है वो खत्म हो जाएगा। जो लोग यादव के नाम पे लेकर के जा रहे थे, परिवार के लोग, साधु यादव जैसे लोग, राबड़ी देवी के दोनों भाई, तो उनको पहले ही वो बाहर निकाल चुके हैं। बेटी ये स्मार्ट है, प्रखर है, बोलने में भी तेज है, लेकिन चुनाव हार गई तो उससे भी सेटबैक हो गया, है तो परिवार की पार्टी, अब क्या किया जाए। तो ये इस परिस्थिति में वेन दे आर डाउन एंड आउट, तो उनके सामने जो बीजेपी को चैलेंज देने के लिए अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपनी परिवार, अपने व्यक्तित्व की साख बचाने के लिए विलय के लिए वो एग्री कर गए। तो ये वजूद की लड़ाई है या? ये वजूद की लड़ाई है, ये कोई आइडियोलॉजी थोड़ी होता कुछ। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी होता क्या है, आइडियोलॉजी इज ए मीन्स, वो जरिया है, वो कोई गोल नहीं है। उसके जरिए ये वजूद बचा है। मुझे एक चीज बताइए, देश में तो सोशलिस्ट पार्टी तो आजादी के बाद से ही है जी। और कौन सा सोशलिज्म इस देश के अंदर आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी भी तो सरकार भी चलाई, किस सरकार में कम्युनिज्म का जरा सा भी चेहरा नजर आया? तो आइडियोलॉजी बकवास है। ये जब चुनाव जब होता है इस तरह की बातें नहीं होती, ये सब पब्लिक को बलाने फुसलाने के लिए होता है। तो ये वर्चस्व, ये जो बेसिकली ये अस्तित्व की लड़ाई है, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। तो आपने जो है अलग अलग जगहों पे, आप देखिए जिससे जनता परिवार के बातचीत हुई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक साथ जुटने, अगर लड़ने का होता भाई, मोदी को थ्रेट मानते, हिंदुत्व को थ्रेट मानते कि भाई इससे देश बर्बाद हो जाएगा और इसके लिए वो जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं जी। वैचारिक लड़ाई वो बलिदान मांगता है, वो सेक्रीफाइस मांगता है, जान की नहीं, बहुत सारे दूसरे चीज़ों की, अपने स्टेक्स की। मुलायम सिंह भाग गए कि भाई हम तो सब यूपी में रहना है, यूपी में करना है, हमको ऐसे आ जाएगा, क्यों हमको ये करना है? लेकिन वहाँ पर अस्तित्व जो है यहाँ पे मजबूत है, ये इसलिए इनको लगता है कि भाई हमारी सरकार है, हमारा सब कुछ है, इन लोगों के पास क्या है। तो आपने बिहार में जो है वो कर दिया, लेकिन यहाँ से समस्या शुरू हुई। नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री रहे और ये जो मुख्यमंत्री के दौरान वो पार्टी से कट गए, वो कार्यकर्ता से कट गए, एमएलए से कट गए। मैंने बहुत सारी स्टोरीज की है कि किस तरीके से आपके जो मिनिस्टर्स हैं बिहार में, उनके खुद के मंत्रिमंडल में वो अपने दिल की बात, मन की बात
नीतीश कुमार के सामने नहीं रख सकते। तो ये जो एलिनेशन जो हुआ वो महंगा पड़ गया, जदयू के अंदर में विरोध है। अब आप देखिए आपने क्या किया कि जब आप लालू से जब आपने हाथ मिलाने की कोशिश की तो पार्टी के लेवल पे नीतीश कुमार और लालू यादव तो हाथ मिला सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे ये जो है इसका रिएक्शन दूसरा हो जाता है। कैसा? वो इसलिए हो जाता है कि देखिए बिहार की राजनीति को अगर ग्राउंड की राजनीति समझना है तो आपकी सरकार अगर आ गई, जैसे मान लीजिए लालू यादव की सरकार आ गई, तो जितने भी सरकारी लाइसेंस लेने का काम होता है, टेंडर है, ठेका है, रोड बनाने का काम, नाली बनाने का काम, जितना जो डेवलपमेंट वर्क है, जो जितने भी जिसमें जो ठेका होता, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि भाई बिहार में जो है वो उसी पार्टी के लोग जो है वो गुंडागर्दी से जो है उसको कैप्चर कर लेते हैं। सरकार बदली, दूसरी पार्टी के लोग तो दूसरे लोग आ गए। तो कहने का मतलब ग्राउंड लेवल पे जो 15 साल से यादवों का जो वर्चस्व था इन सब चीजों के ऊपर वो हटा नीतीश कुमार के दौरान। अभी 10 साल होने वाले हैं, इस 10 साल के दौरान जो है वो हटा और नए लोग आए। तो ग्राउंड लेवल पे क्या आप देख रहे हैं कि वो जो लड़ाई, जो वर्चस्व की लड़ाई जो लोकल लेवल पे जो होती है वो आरजेडी वर्सेस रेस्ट है। आरजेडी का जो ये है बड़ा दबंग रहा है। आरजेडी के समय जो है वो बहुत ही खराब कुशासन, ऐसा कि लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं। लोग कहते हैं जंगल राज, नहीं जंगल राज भी नहीं था, जंगल राज में भी राज है, जंगल और राज। बिहार में लालू यादव ने तो जंगल बना दिया, राज तो था ही नहीं। आप घर बना रहे हैं तो कोई गुंडे आ जाएंगे, पैसे दो, बहुत पैसा तुम कमा लिए घर बना रहे हो। आप दुकान चला रहे हो, ज़्यादा कस्टमर आ गए तो तीसरा कोई आदमी आ जाएगा, भाई चिट्ठी भाई बहुत बिक्री हो रही है पैसा लाओ। आप कार खरीद लोगे, दूसरे कोई ले जाएंगे। अब आप देखिए, आपको एक न्यूज़ में बताता हूँ कि जब लालू यादव के बेटी की शादी हो रही थी तो आरजेडी के कार्यकर्ता जो है पटना के कार शोरूम्स में घुस करके उसको लूट कर चले गए। ये कौन सा गवर्नेंस है, इसमें कोई राज नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज है, तो ये इस तरह का, और दिन दहाड़े मर्डर अब ये फिर शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने लोगों का विश्वास इसलिए जीता, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर के रूप में लोग इसलिए मान रहे थे, नीतीश कुमार आते ही इन लोगों का सफाया कर दिया। नीतीश कुमार ने एक तरह से, पुलिस है, सरकार है, कानून व्यवस्था है, गुंडागर्दी कम है, वो उसको एक नया प्रारूप दिया। और ये नीतीश कुमार जब से गए हैं और ये जब से विलय का काम स्टार्ट हुआ है, ये तब से फिर वही जंगल राज, वही दिन दहाड़े डकैती, मारपीट, डॉक्टरों की हत्या, बिजनेसमैन की हत्या, वो फिर से शुरू हो गया। लोग उसको देख रहे हैं। तो ये एक दूसरी मुसीबत है। अब विलय का जो मसला है, विलय का मसला जो आगे आने वाले समय में जो डिफिकल्टी आएगी, जो एक दो दिन के बाद से आप न्यूज में आप देखोगे कि जदयू में एक बहुत सारा MLAs हैं जो नहीं चाहते कि विलय हो। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही लालू विरोध की राजनीति रही, नीतीश कुमार की राजनीति लालू विरोध की राजनीति रही। अब आप हाथ मिला लोगे तो आप तो हाथ मिला लोगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो जिनका केस मुकदमा चल रहा है आपस में, वो कैसे हाथ मिलाएंगे? तो ये एक समस्या है। दूसरी बात, विलय की जो प्रक्रिया है, जो लीगल एस्पेक्ट्स है, उसको समझना जरूरी है। एक नेताओं का हाथ मिला देने से नहीं होता, देश में कानून है, नियम है। वो नियम ये कहता है कि भाई कि आपके जो ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स हैं दे मस्ट एग्री ऑन दिस विलय। विलय का मतलब आप अपनी पार्टी के अस्तित्व को इट इज अ डेथ वारंट ऑफ योर पार्टी, पार्टी विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक ठीक। तो एक तो ग्राउंड लेवल पे आपको करना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं से जो है उसको अटेस्ट करना होगा। लेकिन समस्या ये नहीं है, ये काम शुरू हो गया है बिहार में जो है JDU काम कर रही है। प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी विधानसभा के अंदर। विधानसभा में अगर आप विलय करते हो तो आपके सारे सदस्यों को उससे एग्री करना होगा। एक अगर दो तीन भी बोलते हैं कि भाई हम विलय नहीं, विलय के विरोध में हैं और हम अपना पुराना पार्टी जो है उसका नाम जारी रखना चाहते हैं, तो वो दो तीन जो है वो उस नाम से जारी रख पाएंगे और उनके ऊपर वो पार्टी विरोधी कानून जो है, दल बदल कानून जो है, वो लागू नहीं होगा।
अब जो स्थिति जो सामने जो नजर आ रही है, जो चिंता का विषय जो इसके लिए है, वो ये है कि पार्टी अगर ये 20-25-30 लोग वो कहते कि भाई हम जेडीयू पुराने जेडीयू के साथ ही रहेंगे, उसमें विलय नहीं होंगे, तो उसको स्पीकर को मान्यता देना होगा। दूसरी समस्या ये आ गई कि 6 विधायकों को हाईकोर्ट ने, जिसको पार्टी से निकाल दिया गया था, उसको रीस्टेट करवा दिया, उसको बहाल कर दिया गया। 88 सीट बीजेपी की है, 6 जो है निर्दलीय उसका समर्थन है बीजेपी के पास, ये 94 हो गए। और जो बहाली जो हुए हैं और मिलाकर के अगर 30-35 लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं जदयू के, जो बिल्कुल वो संख्या जो है वो ये है, तो सरकार भी जाएगी और मुख्यमंत्री का पद भी जाएगा। और उस जदयू को लीड करने के लिए एक महादलित लीडर भी पैदा हो जाएगा। खबर तो आ रही है, और वो जो माझी साहब जो हैं वो शायद इससे अलग हो जाए, डिफेक्ट कर जाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वहां पे दोनों ही पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है, बीजेपी वहां पे दोनों पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। अनएथिकल है, लेकिन क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। और वो इसलिए तोड़ने में लगी हुई है कि एक बेसिक फॉर्मूला समझिए कि जो सीट का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो कैसे खड़े होंगे। 225 के आसपास सीटें हैं, 110 जो है जदयू के पास अभी वर्तमान में है। अगर पूरी तरीके से विलय भी हो जाता है और 24 सीट के आसपास जो है आरजेडी को है, आरजेडी के पास है, तो जो जीता हुआ एमएलए है वो तो टिकट लेगा ही, और बाकी सीट पे किसको देंगे आप, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे सेकंड पोजीशन पे आरजेडी या जेडीयू होगा। तो ये पार्टी जो बाकी जो सीटें जो 50% जो सीटें हैं वो वर्कर नाराज होंगे, आइदर इसके होंगे या उसके होंगे, क्या तीसरी जगह ढूंढेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी समस्या, आप जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री बार बार वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए, महादलित होना चाहिए, तो ये जो है कि सिग्नल है वो इस तरह के एडजस्टमेंट का कि भाई आप जो है बीजेपी के साथ मिल जाए, आपको केंद्र में कोई पोजीशन मिल जाए, फिर आप बिहार के अंदर में जो है बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करें। एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि अगर पूरा ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं चला, बने आरजेडी भी टूट गई, जेडीयू भी टूट गया, सब पार्टी जो है टूटने लग गई दोनों पार्टियों में, तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, तो फिर राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरा जो है फ्लूइड सिचुएशन है, और इस पूरे ऊहापोह में विनिंग पोजीशन पे बीजेपी बैठ करके देख रही है। और कल जो उसने दाव जो चला है कि मिशन 185 बड़ा नंबर है बिहार में बीजेपी के लिए, लेकिन उन्होंने टारगेट रख दिया, वो एक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा लालू यादव और नीतीश कुमार का, एक अपनी पार्टी के जो इंटरनल इम्बैलेंसेज हैं, विरोधाभास जो है वो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। और इस बीच जो है बीच बीच में मांझी साहब खबर दे देते हैं, ये बेसिकली है क्या, इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिहार के अंदर में लालू यादव अपने अस्तित्व के लिए, अपने परिवार की साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो जदयू से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जो मोदी के खिलाफ लड़ाई को इतना ज़्यादा आगे लेकर के चले गए, जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़्यादातर विधायक उनके साथ नहीं है, ज़्यादातर लीडर्स जो लास्ट टाइम जो MPs थे, लोकसभा जीत के आए थे, भारी संख्या में जीत के आए थे, जिनको इस बार चुनाव हारना पड़ा, वो सारा दोष जो है नीतीश कुमार को दे रहे हैं, तो वो लोग भी इनसे नाराज हैं। तो इन सब के बीच ये विलय जो है एक आइडियोलॉजिकली पोजिशन तो है, लेकिन ऑन द ग्राउंड जब ये लोग लालू का चेहरा देखेंगे, लोग को जो है परेशानी हो जाती है। अगर नीतीश कुमार सीधे राह पर चलते, सीधी राह क्या थी, क्या आपने मोदी से बगावत की, बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, ठीक तोड़ा, ये आपका ऑप्शन है, आपको इसको कॉस्ट समझना चाहिए था, आपने गलत सलाहकारों के ऊपर जो है भरोसा किया, जो आपको गलत फीडबैक जिन लोगों ने दिया,
कैलकुलेट नहीं किया। ये हम लोग हमने जब ये बातचीत चल रही थी, जब सरकार वहाँ चल रही थी, जब नीतीश कुमार अलग नहीं हुए थे, हमने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा था कि 5 सीट भी नहीं मिल पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अभी भी वही स्थिति है लोकसभा में। अगर नीतीश कुमार, नीतीश और लालू यादव मिलकर जाते हैं तो स्थिति कोई इससे बेहतर नहीं होने वाली है। लेकिन इन्हें अगर ये इस पूरे चीज़ों को वो कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि उसको बराबर कर सकते थे, अगर वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं देते, और जो लालू प्रसाद के साथ मिलके भी, अगर आप आरजेडी के साथ मिलकर के ये 1.5-2 साल का जो पीरियड था उसमें आप उसी तरह से गवर्नमेंट देने में सक्षम हो जाते, सफल हो जाते, गुंडागर्दी जिस तरह से अभी बढ़ गई है उसको रोकने में कामयाब हो जाते, और एक मॉडल पेश करते विकास का, जिस मॉडल की बात अभी कहाँ बात हो रही है। अभी देखिए, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो विकास के मॉडल, नीतीश कुमार का भी एक मॉडल है, अब किस मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे? कोई मॉडल नहीं। तो आपने जो है वो कार्ड खेलने के चक्कर में वो भी हाथ से गंवा, आपने उसको गंवा दिया। अब सवाल बस इतना ही है कि बिहार के लोग जब वोट देने जाएंगे, इसमें एक तो समस्या ये है कि नीतीश कुमार को आपको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना होगा, तो मांझी क्या करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे, यादवों का रोल क्या होगा, एक दूसरी बात कि आपके पास कुछ दिखाने का नहीं रहेगा। और आप जिस तरह से अभी दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगता हुआ घूम रहा है, हमने गलती कर दी, वहाँ दो चीज़ें हैं। एक जो लोगों के अंदर में है कि नीतीश कुमार एक तो भाग गए बिहार को जो है बुरे हाल में छोड़कर, दूसरी बात नीतीश कुमार के ऊपर एक विश्वासघात का भी आरोप है, जो लोग जो है लोग कहते कि इसने जो है एन मौके पे धोखा दिया, इनके साथ कास्ट इक्वेशंस नहीं है, इनके अपने कास्ट जाति के लोग इनसे दूर जा रहे हैं, अपर कास्ट तो वैसे ही दूर चला जाएगा, और ये माझी साहब महादलित को लेकर के चले जाएंगे, रामविलास पासवान दलितों को लेकर के चले जाएंगे, तो ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही कम हैं। ऐसे मौके पे बड़े बड़े राजनेताओं को एक ही काम करना चाहिए कि आपको अपना पूरा का पूरा, अभी भी वक्त है, अगर ये खबरें आ रही हैं, हालांकि वो दिक्कत, ये डिसीजन बड़ा दिक्कत का डिसीजन है, लेकिन नीतीश कुमार को मेरे हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव बिहार के अंदर में अगर कुछ अगर फाइट देने की पोजीशन में, वो तभी आएंगे कि जो बचा हुआ समय भी है कम से कम उसमें जो है एक अच्छी सरकार देने की कोशिश अगर करते हैं, नीतीश कुमार वापस बनते हैं तो कुछ तो चांसेस फिर भी नज़र आ रहा है, अदरवाइज बिहार जो है वो एक ऐसे राजनीति की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे लोग ऑलरेडी आरजेडी को रिजेक्ट कर चुके हैं, और नीतीश कुमार जैसे गुड, पोटेंशियली गुड लीडर को भी जो है इतिहास बनाने के मूड में खड़ी हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर मनीष, आपने बहुत सारी बातें बताई कि क्या चल रहा है क्या है, लेकिन एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जेडीयू के लिए माझी जो नाव डूबोए उसे कौन बचाए, और शायद ये नाव अभी तो मझधार में दिखाई दे रही है और डूबती है उबरती है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमें भी आज्ञा दीजिए, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले ब्लैक एंड व्हाइट के शो में। धन्यवाद।